ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੈਪ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਖਲਾਰੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਟ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ, ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰੇ, ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣੀ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ ਰੈਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਪਾਵਰ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਹੋਤੇ ਚਮਚੇ ਟਾਈਪ ਕੇ ਲੋਕ, ਕੇਕੜੇ ਟਾਈਪ ਕੇ ਲੋਕ, ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਦੋਸਤ ਨਿਜੂ ਕੁਮਾਰ, ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਫੇਵਰੇਟ ਚੈਨਲ ਭੋਜਪੁਰੀ ਗੌਸਿਪ ਮੇਂ। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह का गाना, हिंदी वर्जन गाना मेरे रस के कमर, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन ये गाना रिलीज होने के बाद जितना ज़्यादा पॉपुलर तब नहीं हुआ था जब इसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद गाना पॉपुलर हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि इस गाने को कॉन्ट्रोवर्सी में लाया था जाने मन तरुण नैयर। जी हाँ, वो एक फेमस रैपर हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर पवन सिंह का मेरे रस के कमर गाने को लेकर आखिर उन्होंने क्यों विवादित बयान दिया था। तो पहले हम उसका स्वागत करते हैं। तरुण जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे ऑफिस में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आखिर फाइनली आप मिल चुके हैं हमारे को, और हम जानना चाहते हैं कि आपने पवन सिंह के ऊपर बयान क्यों दिया था, और वो भी गाना मेरे रस के कमर को लेकर। जी, फाइनली आपको आज बता देते हैं। देखिए, बयान वाली ऐसी बात थी, एक हर इंसान का एक हक होता है कहने का कि मुझे ये चीज़ गलत लगी। हम भी एक ही इंडस्ट्री में हैं, जिस इंडस्ट्री में आपके सो कॉल्ड पावर स्टार हैं, तो हम भी उसी इंडस्ट्री में, हम फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, पंजाबी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, तो मुझे लगा जिस इंडस्ट्री का मैं एक हिस्सा हूँ और मुझे लगा ये चीज़ गलत है, मैंने अपना एक रखा कि यार ये चीज़ गलत है। तो उसको रखने के बाद कुछ लोगों ने, कुछ होते हैं चमचे टाइप के लोग, केकड़े टाइप के लोग, उन लोगों ने उसे बहुत गलत ले लिया। अब देखिए, गलती किसी की नहीं है, जैसे जो चमचे हैं जिन्होंने ये सब किया उसको उल्टा ले लिया या कुछ भी बातें की, या कुछ सो कॉल्ड मीडिया वाले हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपनी रोटी चलाने के लिए, या कुछ भी कह लो, कुछ बातें लिख दी या कुछ वीडियोज़ बना के उल्टे फुलटे डाल दिए, है ना, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, सबने अपना घर चलाना है। अब जो उनके पावर स्टार हैं, पावर स्टार कुछ भी करें, पावर स्टार तो पावर स्टार है ना, तो उनको हाँ 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 जी भैया जी भैया जी भैया ये करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना काम लेना है और मुझे किसी से काम नहीं लेना है, है ना। और मेरे दिल में जो आता है, कहते हैं ना, जो इंसान के दिल में, जो इंसान के दिमाग में, वही ज़ुबान पर है, मैं बस वही इंसान हूँ, मुझे लगा और मैंने बोल दिया बेधड़क। तो क्या पवन सिंह ने उसमें गाना अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए, ये कहना चाहते आप? ये सवाल पूछने से पहले आप गाना सुनेंगे वो? हाँ, मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ, फिर भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, पवन सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाते हैं। लेकिन जो उन्होंने रश के कमर को उठाया, पहली बात, आप एक चीज़ बहुत बड़े लेजेंड की उठा रहे हो चीज़, आप उसको एक नॉर्मली गाना मत लो, आप किसी चीज़ को रिक्रिएट कर रहे हो और आप उसे धज्जियाँ उड़ा दे रहे हो, यार उसकी मतलब ही नहीं है। आपने क्या उसमें, अब वो कहते हैं कि उन्होंने भोजपुरी फ्लेवर डाला है, मैं भोजपुरी ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, क्या ये भोजपुरी फ्लेवर है? ये भोजपुरी फ्लेवर तो नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सा फ्लेवर है। तो मैंने कहा कि यार ये बात सही नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया, और मैंने नॉर्मली बात कही, ये बात गलत लग गई सबको। इसके बाद आप भोजपुरी जो फैंस हैं, जो पवन सिंह के फैंस हैं, उनके आपके मतलब गन पॉइंट पे आप आ चुके थे, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? इसके बारे में बताना चाहूँगा, बिना हड्डी की ज़ुबान है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, तुमसे होना कुछ नहीं है, बस बोलते जाओ, चलो बोलते जाओ। चलिए सर, ये तो हो गया, लेकिन आपके आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें, आप जैसा कि आप एक्टर भी हैं, रैपर भी हैं, तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आपने गाने गाए हैं। आने वाले प्रोजेक्ट में अभी मेरा एक सॉन्ग आ रहा है जो प्यार के ऊपर है, गाना जो एक सच्चा प्यार होता है वो प्यार को दिखाने की कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, पोस्ट पे है काम, और बहुत जल्दी आप सबके सामने होगा। और इसके बाद में फिल्म की भी तैयारी है, वो भी आपको जल्दी ही खबर देंगे। क्या है कि स्क्रिप्ट में काम चल रहा है और उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं मिल पा रही है जिसे मुझे लगे कि मैं इसमें सूट बैठ रहा हूँ, या मैं इस करेक्टर को, ये जो भी करेक्टर है इसे निभा लूँगा, तो उसी में सब चल रहा है, ऑन द प्रोसेस है। नहीं, आप फिल्म की बात कर रहे हैं, तो आप किस इंडस्ट्री में मतलब जाना चाहते हैं, भोजपुरी में आना चाह रहे हैं या फिर पंजाबी फिल्म की तरफ आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं? देखिए, जो आपने कहा कि भोजपुरी में आना चाह रहे हैं या पंजाबी इंडस्ट्री, मैंने तो इंडस्ट्री को कभी अलग अलग समझा नहीं,
मेरे लिए एक फिल्म इंडस्ट्री है, हम सब एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, जो भी हैं डायरेक्टर्स हैं, सब काम कर रहे हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है, जैसे मैं रैप करता हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल से, बट जब मैं लिखता हूँ कोई चीज़ तो अंदर से वो पंजाबी निकलती है। मैं हिंदी में नहीं लिख पाता, जबकि मेरी हिंदी मुझे लगता है ठीक ठाक है, इतनी भी बुरी नहीं है जी। फिर लेकिन मैं लिखता पंजाबी में हूँ और मैं गाता भी पंजाबी में हूँ। अब मैंने इस बार ट्राई किया है हिंदी में लिखने का और हिंदी में गाने का, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने होगा। तो इसी तरह एक हर एक एक्टर हो या कोई भी कलाकार हो, सिंगर हो, उसका कंफर्ट जोन होता है। तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी पंजाबी में काम करता है, कभी हिंदी में काम करता है, कभी भोजपुरी में काम करता है, या कभी तेलुगु तमिल कन्नड़ा में काम करता है। लेकिन इसमें बात आती है, मैं कौन सी आपकी भाषा में कहूँ तो इंडस्ट्री चुनूंगा। देखिए इंडस्ट्री की बात कुछ नहीं है, मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट चाहिए जो पब्लिक को टच करे। मैं नहीं चाहता कि फिल्म मैं ऐसी कर लूँ जिसका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, जैसी कि आजकल आप फिल्में देख रहे हैं जो आजकल चल रही हैं, तो मैं वो नहीं करना चाहता। मैं कोई कंटेंट बेस्ड काम करना चाहता हूँ, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब सब्जेक्ट चूजी सब्जेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं? बहुत चूजी, बहुत ज़्यादा चूजी। वो मैं जो मुझे लगेगा कि हाँ यार इसमें वो बात है, ये तरुण नायर को करना चाहिए, मैं वो ही करूँगा। पंजाबी गाने से आप हिंदी पे ट्रैक पे आ रहे हैं, तो हिंदी आपके लिए कितना डिफरेंट होने वाला है पंजाबी मसाला के अकॉर्डिंग? हिंदी डिफरेंट ऑडियंस के लिए होगा। मैं तो देखो हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में गा भी लेता हूँ, और ऑडियंस को कुछ नया सुनने मिलेगा। जो वो देख रहे थे कि जाने मन आज पंजाबी में रैप कर रहा है, वो अब हिंदी में रैप करते हुए देखेंगे हमारे ऑडियंस, और मुझे पक्का विश्वास है ऑडियंस बहुत पसंद करने वाली है, बहुत ज़्यादा। अब पंजाबी की बात कर लेते हैं, तो पंजाबी में हनी सिंह बादशाह, ये दो बहुत ही फेमस, तो वो जाने मन किसको फॉलो करते हैं? जाने मन किसी को फॉलो नहीं करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात ये पूछी कि जाने मन किसको फॉलो करते हैं। देखिए मैं फॉलो सबको करता हूँ, मैं आपको भी फॉलो करता हूँ, मैं सबको फॉलो करता हूँ, और मैं किसी को फॉलो नहीं करता। एक इंसान होता है, इंसान के अंदर हर चीज़ दी है ऊपर वाले ने, जिसने भी हमें नवाजा है उसने हमारे अंदर हर चीज़ दी है। हमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं हर आर्टिस्ट को देख के। आजकल के मैं बच्चे देख रहा हूँ, कुछ बच्चे ये चीज़ कर रहे हैं, जैसे एक OPS मुस्से वाला कोई है जो सिद्धू मूसे वाले की कॉपी कर रहे हैं। देखिए आप कॉपी क्यों कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आप वो रहो जो आप रियल है, आप कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी करके अपना जो रियल चीज़ है वो आप छुपा रहे हो कहीं ना कहीं। आप दूसरे की कॉपी ना करें, आप अपना रियल रहें जो आप रियल है। इसीलिए मैं किसी की कॉपी नहीं करता, मेरा ना मैं लिरिक्स लिखता हूँ मैं उसमें कोई कॉपी है, ना मैं फ्लो हूँ मेरे जो फ्लो है उसमें कोई कॉपी है। मैं गाता भी अपने स्टाइल से हूँ, मैं लिखता भी अपने स्टाइल से हूँ, कॉपी वाली कोई चीज़ नहीं। हाँ इंस्पिरेशन की बात है तो हर आर्टिस्ट से मैं इंस्पायर्ड हूँ और हर बंदे से इंस्पिरेशन लेता हूँ, चाहे वो एक आर्टिस्ट है भी या नहीं भी है। कुल मिला के कहा जाए तो हिंदी मज़ेदार होने वाला होगा जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और बहुत टची सी चीज़ है, बहुत पसंद आएगा लोगों को। थोड़ा सा आप अपने रैप के स्टाइल में ही अपने दर्शकों को थोड़ा सा तो गुनगुनाना बनता है, फ़र्ज़ बनता है। गुनगुनाना तो बनता है, मैं चाह भी रहा हूँ कि मैं सुना दूँ आपको, लेकिन जो इसका सस्पेंस है ट्रू लव का, ये अगर निकल गया तो बहुत बहुत गलत बात हो जाएगी। नहीं, नहीं, पंजाबी रैप की बात कर रहा हूँ, दो रैप तो होना, रैप तो होना चाहिए ना। पंजाबी में, पंजाबी में आपको सुनाना चाहेंगे बिल्कुल। एक बात है जो कुछ लोग हैं रोकना चाहते हैं, जो तरुण नहर को कहते हैं आगे ना बढ़े, उनके लिए मैंने बात लिखी थी। रोकना चाहते ने मैनू बेचारे, रैप च मुंडे में किन्ने घलारे, सोच के बोली तू हूँ मेरे बारे, मेरी बोलियां दा जहर सट दिल उत्ते मारे, सो गए ने सारे जो मेरे तो हारे, मैं करा ना गल्ला करदा मैं कारे, गीत मेरे सुन सुनी पुछे मेरा ना, कहंदी बोल तेरे चंगे नवे रैपरां तो सारे। चलिए सर, ये बहुत ही मज़ेदार, मतलब कह सकते हैं कि एक हिमाचल का बंदा और पंजाबी इंडस्ट्री में धमाका मचा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि उनका हिंदी वाला गाना भी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।